हेलो फ्रेंड्स, एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। बेसिकली पीएचपी में हम लोग डोम डॉक्यूमेंट कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, बट जैसे अगर आप बिगनर लेवल पे हो या इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आपको सीखना है एडवांस पीएचपी, तो मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। मैं इसमें वन बाय वन कोडिंग नहीं करूँगा, मैंने कोड ऑलरेडी करके रखा है, बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो में आते हैं। पहले मैं दिखा देता हूँ कोड एक्चुअली क्या है। पीएचपी का जो ये डोम क्लास है या डोम डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, ये ना कभी यूज़ करना पता है। जब आप एक्सेल वगैरह में यूज़ करते हो ना, जैसे बोलते हैं ना वेब स्क्रैपिंग आता है कि आजकल इंटरव्यूज में पूछा जाता है वेब स्क्रैपिंग क्या होता है, तो उस समय ये बहुत यूज़ होता है। और जैसे अगर आपको कहा जाए कि एक्सेल का डेटा लोड करो वेब ब्राउज़र में, फिर उसको इंसर्ट कर दो डेटाबेस में, तो उस समय भी आपको ये क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट, पीएचपी का जो डॉक्यूमेंट डॉम डॉक्यूमेंट है, ये यूज़ करना पड़ता है। इसका यूज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे रन करा के दिखा देता हूँ। पहले पहले मेरे पास ये फाइल है, मैं दिखा देता हूँ। एचटीएमएल, मैंने ये जो फाइल दिख रहा है ना, इसमें ये फाइल है। देखो ये ऊपर वाला जो चीज़ है इसको रहने देते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ से देखता हूँ, मुझे टेबल का जो कंटेंट है मुझे डोम डॉक्यूमेंट के थ्रू दिखाना है मेरे ब्राउज़र पे, यहाँ पे। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, अरे एक मिनट, सो मैं ये रहा, ठीक है। ये जो डेटा है यहाँ पर आ गया, नेम है, सरनेम है, रोल नंबर है, सिटी है और कंट्री है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कोड में दिखाता हूँ, यहाँ पे दिख जाएगा ये एचटीएमएल का जो पार्ट है। यहाँ पर देखिए टेबल जो मैंने बनाया है, टेबल में ये देखिए नेम है, सरनेम है, रोल नंबर है, सिटी, कंट्री है, और ये जो देखिए पर्टिकुलर नेम्स है, जिसके जिसके नेम्स है, लगभग 5 रिकॉर्ड्स हैं। तो मेरे को 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 6 रिकॉर्ड्स हैं। और ये जो एचटीएमएल का जो दिख रहा है ये पेज दोस्तों, ये है एक्चुअली एक्सेल का डॉक्यूमेंट, ये है, ये एक्सेल में मैंने किया था। तो मैंने पीएचपी का कोड लगाया, कोड के थ्रू उसको यहाँ पर मैंने सेव कराया अपने डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन में, मैंने उसको सेव करा दिया, और फिर यहाँ से वो डेटा मैं दिखा रहा हूँ अपने ब्राउज़र में। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। तो अब मैंने पीएचपी स्प्रेडशीट का एक वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं। पीएचपी स्प्रेडशीट क्या होता है, बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं जब आपको एक्सेल से बात करना हो, कम्युनिकेट करना हो आपको पीएचपी को, तो स्प्रेडशीट यूज करते हैं। जैसे इंसर्ट करना है, एक्सेल का डेटा अपलोड करना है अपने ब्राउजर पे, फिर उसको डेटाबेस में इंसर्ट करना है, या डेटाबेस से फिर एक्सेल में डालना है, तो उसको यूज़ करने का हम लोग स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं, पीएचपी का स्प्रेडशीट। पहले इसके पहले जो था ना पीएचपी एक्सेल करके आता था, बट जो बंदे ने पीएचपी एक्सेल बनाया था उसी ने उसको काफ़ी मॉडिफाई करके, एडवांस करके, सिक्योर करके, अच्छा बना के उसको पीएचपी स्प्रेडशीट का नाम दे दिया। तो पीएचपी स्प्रेडशीट पे और भी वीडियोस बनाऊंगा, फिलहाल हम लोग ये देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक मैंने फोल्डर बनाया है, फोल्डर में मैंने एचटीएमएल फाइल है। यहाँ पे आप चाहे तो कोई टेक्स्ट फाइल भी ले सकते हैं, मतलब टेक्स्ट फाइल में बेसिकली क्या हो सकता है, कोई डिस्क्रिप्शन है या एड्रेस वगैरह है, उसको भी हम लोग फेच करा के वहाँ पे ब्राउज़र में दिखा सकते हैं, जैसे इसको मैंने दिखाया है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसका ना कोड रीड करते हैं, इसका कोड एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, ठीक है। कोड ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, आपको बस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले क्या है कि अगर जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके लिए पहले है ना आपको एक ऑब्जेक्ट, ये क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना के इसमें मैंने सेव कर लिया। ये जो क्लास दिख रहा है ना डोम डॉक्यूमेंट, ये क्लास है पीएचपी का। ये इंट्रोड्यूस हुआ था दोस्तों मेरे ख्याल से 5 में इंट्रोड्यूस हुआ था, पीएचपी 5 में इंट्रोड्यूस हुआ था, मेरे को भी ध्यान नहीं है, ठीक है। थोड़ा सर्दी है मुझे। अब यहाँ पर क्या है कि लोडिंग एचटीएमएल फाइल हियर, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके थ्रू यहाँ पर लोड एचटीएमएल फाइल का एक फंक्शन है वो कॉल करा है, और मैंने पाथ दे दिया कि मेरा जो एचटीएमएल फाइल है या टेक्स्ट फाइल है या कोई भी फाइल है उसको रीड करना है। तो मैंने ये पाथ दे दिया, टी टेम्परेरी अंडरस्कोर एचटीएमएल यहाँ पर है, उसको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर फाइल रखी हुई है, तो जाके रीड करेगा। अब क्या करेगा वो, सिलेक्ट टेबल बाय इट्स नेम। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया, फिर वही डॉम डेटा, ये जो डॉम डेटा है ना आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे सिर्फ डॉम भी ले सकते हैं, या आपके ऊपर जो है थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में और कोडिंग के स्टैंडर्ड को मैच करें वैसा लिखिए। तो यहाँ पर
मैंने क्या बोल दिया कि मैंने पहले पाथ दे दिया, पाथ से उसने यहाँ पर उठा लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर मैंने एक वेरिएबल बना और वेरिएबल में ये पास कर लिया, उसको बोला गेट एलिमेंट टैग बाय नेम। और दोस्तों ये चीज़ आपने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ी है, मैं दिखा देता हूँ, वही सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग करें। पहले क्या है, हमें जावास्क्रिप्ट से अचीव करना पड़ता था और काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता था हमारा कोड वगैरह। देखिए ये देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, तो वही चीज़ अब PHP में हम लोग करें, तो हम लोग को जावास्क्रिप्ट की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो TFT आ गए यहाँ पर, तो इस तरह से ये भी काम करे। तो हम लोग चलते हैं हमारे कोड में, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर मैंने उसको बोला कि गेट एलिमेंट बाय टैग नेम टेबल। अब हम लोग टेबल पे जाते हैं, उसने बोला कि टेबल, पहले टेबल पे जाओ। टेबल के अंदर क्या क्या है मेरे पास, कॉलम है, फिर ये है TR है, फिर TD है उसके अंदर। तो अब मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि उसने टेबल में तो चला गया, टेबल में से कहाँ जाना है। मैंने एक फिर एक रो नाम का एक वेरिएबल बना लिया, टेबल को फिर यहाँ से कॉल करा है, item01 दिया है और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, फिर वो TR पे चला जाएगा। मतलब वो जीरो, मतलब जीरो पोजीशन पे, 0 1 2 3 4 5 जो भी पोजीशन पे, वो जीरो पे चला जाएगा, ठीक है। जीरो पे चला गया, उसने TR को सेलेक्ट कर लिया। मतलब कैसे हुआ, टेबल में गया फिर जीरो पोजीशन पे ये था, ठीक है। इसके अंदर भी कोई वो होता ना तो 1 पे चला जाता, इसके अंदर भी कोई और होता तो 2 पे चला जाता, फिर 3 पे चला जाता, इस तरह होता। फिलहाल TR अकेला ही है, TR के अंदर तो कुछ है नहीं, वो तो TD है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ गया वापस से, TR बता दिया। उसके बाद रन द लूप ऑन सिलेक्टेड रोज, यहाँ पे हम लोग लूप को रन करेंगे। पर उसके पहले मैंने क्या किया दोस्तों, पता है, ये मैंने कर दिया इको टेबल। ये क्या है, HTML का डिज़ाइन देना था मुझे कि वो एक अच्छे फॉर्मेट में आए, ऐसा लुक एंड फील उसको अच्छा दिखे, इसीलिए यहाँ पर ये एक टेबल बना दिया। आप चाहे तो इसको HTML के वे से भी कर सकते तो, बट बार बार मुझे PHP को क्लोज एंड बंद करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। अगर मैं ऐसे करता हूँ, अगर यहाँ पे सिर्फ टेबल लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे PHP क्लोज, फिर यहाँ पे PHP ओपन, मतलब जहाँ जहाँ PHP रहेगा फिर क्लोज ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि HTML में डायरेक्ट कॉल तो होता नहीं, PHP का उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग तो लगेगा। तो ये यहाँ पर इस तरह से होगा। फिर फॉर इच मैंने लूप मारा, क्योंकि मुझे सारे के सारे कंटेंट रीड करने हैं ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने सारे कंटेंट है, तो फॉर इच के लूप के बिना तो होगा नहीं। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट आर करके देखते हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि फॉर इच की ज़रूरत क्यों पड़ेगी मुझे। प्रिंट आर बेसिकली स्ट्रक्चर दिखा देता है। अब मैं गया रोज़ में और यहाँ पे एग्ज़िट करता हूँ। एग्ज़िट इसलिए करना पड़ता है कि आगे की जो कोड है वो रन ना हो, यहीं पे आके वो डाई हो जाए, ठीक है। अभी देखते हैं, अरे क्या हुआ, ये तो सही है। एग्जिट पे चलना तो चाहिए, कुछ इशू हो रहा है मेरे ख्याल से, कोड मैंने सही से नहीं लिखा है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, देखते हैं बाद में। तो फिलहाल हमने यहाँ पे फॉर इच को कॉल किया, फॉर इच में यहाँ पे इसको इसमें सेव कर दिया, रोज़ को मैंने रो में सेव कर दिया। तो इससे अच्छा था आप नाम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो बेटर होगा, ठीक है, जाने देते हैं। यहाँ पर हम लोग रोज़ को TR रोज़ दे देते हैं, ठीक है, तो समझ में तो अच्छा आएगा, TR रोज़। अब यहाँ पर इसको रोज़ में हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया गेट कॉलम नेम बाय ID TD सॉरी। फिर यहाँ पे वही मैंने बोला गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, टैग नेम से TR के अंदर क्या था, मेरा TD पड़ा था। अभी यहाँ पे TR में जाएंगे, उसके अंदर TD पड़ा है, TD पड़ा है, उसके बाद हमने उसको यहाँ पे इस वेरिएबल में सेव कर लिया, फिर इको करा दिया। इको इसलिए वैसे ही HTML के टैग में मुझे कराना था, उसको थोड़ा सा अच्छी फॉर्मेटिंग देनी थी, इसलिए मैंने इस तरह से उसको प्रिंट करा। अच्छा मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ आप लोग, अगर जैसे वो बिगनर देख रहा होगा तो उसको मे भी ना समझे कि क्या एक्चुअली हो रहा है, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो TD है वो उसको काम हो रहा है। ये दोस्तों Ctrl D कर रहा हूँ, Ctrl D से मैंने पूरा सिलेक्ट कर दिया, फिर बैक स्पेस मार के उड़ा दिया। चलो अब चेक करते हैं हम लोग इसको, चलिए कुछ तो मसला है।
मैं फाइल जो रन कर रहा हूँ ये नहीं, पीएचपी डॉम में जो मुझे जाना चाहिए ना, इसीलिए रन नहीं हो रहा था। प्रिंट आर भी जो यहाँ पे था ना दोस्तों, ये रन नहीं हो रहा था क्योंकि मैं अलग फोल्डर में ही काम कर रहा हूँ। यहाँ पे डॉम डालना है मुझे। ठीक है, ये आ गया है। ठीक है, देखो इस तरह से बिगड़ गया है ना पूरा। अभी मैं वापस से दिखा देता हूँ। ये आ गया इस तरह से। ठीक है, तो मैंने जब ये स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया, उसका टेबल वोबल सब खत्म कर दिया, तो थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा है। अब इसको मैं करके देखता हूँ वापस से कि देखिए इसमें क्या मिलता है। ठीक है, अनडिफाइंड वेरिएबल रोज, अनडिफाइंड क्यों बता रहा। अच्छा, यहाँ पर टी आर रोज कर दिया मैंने। अब चेक करते हैं क्या मिल रहा है इसको। टोटल सेवन जो नोड है इसको टोटल वहाँ पे 7 मिल रहा है। ठीक है, तो प्रिंट आर का ये काम होता है। अगर मैं इसको वैडम करके देख लूँ तो ठीक है, वो भी मुझे लेंथ उठा रहा है। उसकी लेंथ टोटल कितनी है? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 उसने लेंथ लौटा दी। कि मतलब आपके पास जो टी आर में टी डी टैग है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 सात है, तो उसने मुझे यहाँ पे 7 को 7 लौटा दी। ठीक है, तो मैं इसको जाके अनकमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, उसकी कोई नीड ही नहीं मुझे। फिर रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए फिर से ये आ गया। अब क्या मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि ये जो मुझे मिला है इसी को हम लोग अब डेटाबेस में डाल देंगे। ठीक है, अब डेटाबेस में कैसे डालना है मैं बताऊंगा मैं आपको। अब मैं वो फाइल बता दे रहा हूँ जहाँ से वो एचटीएमएल उठाया था मैंने, मतलब जहाँ से एक्सेल शीट उठाया वो ये रही। अब इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। आप इसको इसको मैच करिए, सेम है वो। देखिए, नेम, सरनेम, रोल नंबर, यही फाइल है। मैंने कन्वर्ट कर दी उसको, HTML में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग PHP का जो स्प्रेडशीट का जो लाइब्रेरी है उसके थ्रू मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आगे भी वीडियोस बनाने वाला हूँ एडवांस PHP के ऊपर, क्योंकि अभी क्या है बिगनर्स के लिए तो काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट बिगनर्स है जो एडवांस वर्जन, एडवांस में भी है बट एडवांस में थोड़ा सा मैं सोचा था जो प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली काम आता है उस पर मैं वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।